नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। देश भर में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की चर्चा हो रही। प्रथम चरण में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन आनंद विहार रेलवे टर्मिनल से देहरादून तक किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी। इसी के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार मुजफ्फरनगर पहुंची। पहली बार वंदे भारत का स्टॉपेज होने से मुजफ्फरनगर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। भारी उत्साह के साथ मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत का भव्य स्वागत किया गया। जिले में वंदे भारत रुकने की खुशी में लोगों का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस आनंद विहार से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार होते हुए देहरादून पहुंचा करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस में आधुनिक सुविधा के साथ साथ लोगों के समय भी बचाएगी। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे KDRM के साथ साथ विभाग के अधिकारियों ने देहरादून से आनंद विहार तक सफर किया। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस के जनपद मुजफ्फरनगर में पहुंचने पर केंद्रीय पशु पालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग केंद्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल नरवाल, मुजफ्फरनगर के भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला और नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप के पति गौरव स्वरूप स्वागत के लिए मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के लोग भारी संख्या में जमकर नारेबाजी की और वंदे भारत एक्सप्रेसवे का भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही साथ उस पर फूल भी बरसाए। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर बनाए गए मंच पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का फूल मालाओं से लादकर स्वागत किया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल और भाजपा जिला अध्यक्ष के अलावा भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस आधुनिक ट्रेन में बैठकर खतौली तक पहुंचे। हालांकि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और मंत्री कपिल देव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मेरठ तक इस आधुनिक ट्रेन में सफर किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने रेल मंत्री का धन्यवाद भी किया। वंदे भारत जब चलने की बात आई, कई महीने से प्रयास था कि दिल्ली देहरादून चलेगी, लेकिन जब स्टॉपेज मुजफ्फरनगर नहीं आया तो बड़ा निराशा हुई। मैं धन्यवाद दूंगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, उन्होंने मुजफ्फरनगर की जनता की भावनाओं को समझा और ये सौगात स्टॉपेज की हमें दी है। अब आप ट्रेन में हवाई जहाज के आनंद ले सकते हैं। एक आम नागरिक वंदे भारत में बैठेगा और लेकर उसे हवाई यात्रा कर रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छी इसलिए है 10 बजे दिल्ली के लिए निकलेंगे, 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, पूरा दिन काम करेंगे, 5:30 वापस चलेंगे, 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। अगर कोई मुझसे मिलने भी आता है दिल्ली तो भी ट्रेन से आए, कोई दैनिक यात्री है वो भी जा सकता है, कोई अपने बिजनेस के काम से किसी और काम से वो भी जा सकता है। बहुत बड़ी संख्या से हम लोग दिल्ली आना जाना होता है, तो एक तरह से सड़क पर भी ट्रैफिक कम होगा और ये बड़ी सौगात है मुजफ्फरनगर के लिए। ये देखिए, वंदे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, सब ट्रेनों की शुरुआत उनने की है। कभी आपने सुना नहीं होगा प्रधानमंत्री रेल की शुरुआत करते हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण ये देश के लिए है जिसकी शुरुआत ही प्रधानमंत्री करते हैं। और आज सब सारा मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे है वंदे भारत के स्वागत के लिए। कितनी सुगम होगी अब यात्रा, आप मेरे पास जब मिलने आएंगे तो 10 बजे चलेंगे, 11:30 आ जाएंगे, पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे, लंच भी करेंगे और शाम को 7 बजे घर पहुँचेंगे। और बिल्कुल हवाई जहाज जैसे भी बेहतर सीटें और व्यवस्था है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। देखिए, आप देख रहे हैं जनसैलाब कि रेलवे स्टेशन पर है, वंदे भारत का शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके करने का काम किया। देहरादून से ट्रेन चलेगी, मुजफ्फरनगर पहुंचेगी। अश्विनी वैष्णव जी, हम रेल मंत्री उनका धन्यवाद के पाते हैं, डॉक्टर संजीव बालियान जी, उनका बहुत प्रयास है कि स्टॉपेज मुजफ्फरनगर में हुआ। निश्चित रूप से पूरे मुजफ्फरनगर जनपद के लिए, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए, चूँकि हमारी विधानसभा है, यहाँ से होकर ट्रेन निकल रही है, तो मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एक शानदार सुपर ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन यहाँ से होकर निकलेगी, जो प्रधानमंत्री
करने का सपना है और प्रधानमंत्री आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस ट्रेन को करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है, ट्रेन भारत में ही बनी है और भारत की टेक्नोलॉजी से निर्मित है। तो मैं सारे इंजीनियर्स को बधाई देता हूँ, रेल के अधिकारी को देता हूँ और माननीय अश्विनी वैष्णव जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय संजीव आनंद जी को बधाई देता हूँ कि आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में जो जिसका नाम हो रहा है ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। बस कुछ और नहीं, सौगात सर यूपी होगी, बहुत कुछ होती जाएगी लगातार। मुजफ्फरनगर से प्रवेश मलिक की रिपोर्ट।